प्रदेश के मंडला जिले में पुलिस ने बुलडोजर कार्रवाई की है। नैनपुर थाना के भैंसवाही गांव में गोवंश तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राजस्व विभाग ने 11 आरोपियों के मकान को ध्वस्त किया है। बता दें कि गोवंश तस्करी के आरोप में पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें सिर्फ एक आरोपी ही पकड़ा गया है और 10 आरोपी पुलिस की पकड़ से फरार हैं। सभी फरार आरोपियों पर पुलिस ने 5,000 का इनाम घोषित किया है। भैंसवाही में जो फरार आरोपी हैं उनमें प्रत्येक पे 5,000, इस तरह से कुल मिला के 50,000 का इनाम घोषित किया गया। साथ ही ऐसे व्यक्ति जिनके की पूर्व में भी गोवंश से रिलेटेड अपराध हैं और उनको बार बार करने के पश्चात भी उनके द्वारा इसको रिपीटेशन किया जा रहा है, उनके ऊपर NSA एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। ऐसे 5 व्यक्ति चिन्हित किए गए। इसमें अभी चूंकि उन्होंने नोटिस दिया था और प्रक्रिया के अनुसार उनके द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। देखिए मंडला से खबर, जहां पर ये पूरा मामला सामने निकल कर आया है गो तस्करी का। और बता दें कि बड़ी सफलता जो इसमें मिली है वो ये है कि बुलडोजर कार्रवाई तो की गई है 11 आरोपियों पर, लेकिन फरार आरोपियों की बात की जाए तो 10 आरोपी इस पूरे मामले में अभी भी फरार चल रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चंद्रेश खरे हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। चंद्रेश, देखिए 10 जो आरोपी फरार चल रहे हैं, क्या पुलिस उन तक पहुंच पाई है? जी हाँ, 10 आरोपी फरार है। एक आरोपी मौके से पकड़ा गया था। पुलिस ने 10 आरोपियों पर 5,000 रुपए के हिसाब से 50,000 रुपए का इनाम किया है रखा हुआ है और उन पर NSA लगाने की भी बात रखी है पुलिस ने। और पुलिस कहना भी आरोपियों को जहाँ भी होंगे पूरी शक्ति पूरी तरह से ढूंढा खोजा जाएगा। और आरोपियों पर और भी पुराने कौन कौन से मामले हैं, कहाँ कहाँ पर उनके मामले किन थानों में चल रहे हैं, इसकी भी जाँच की जा रही है। देखिए चूंकि फरार आरोपियों पर 5,000 रुपए के इनाम भी घोषित किया गया है, तो क्या इसके बाद जो स्थानीय लोग या आम लोग होंगे उनकी तरफ से कोई जानकारी पुलिस तक पहुंच पाए, कोई इनपुट्स मिल पाए? मैडम आपका आवाज नहीं आ रहा क्लियर जी। चंद्रेश, देखिए चूंकि जो फरार आरोपी है उन पर इनाम भी घोषित किया गया है, उसके बाद क्या पुलिस के पास कोई इनपुट्स पहुंच पाए हैं फरार आरोपियों के लिए? इनपुट तो नहीं है पुलिस के पास, मगर पुलिस ने सारे थानों में, सारे जिलों के थानों में जानकारी दी है। साइबर उनकी साइबर जो सेल है ये इसकी जांच कर रही है, क्योंकि कुछ आरोपी जो पुराने आरोपी है वो पहले से ही अपराधी किसके थे जिनके अन्य थानों में मामले दर्ज थे, तो पुलिस साइबर क्राइम का भी, साइबर अपनी शाखा का भी सहारा ले रही है और सारे प्रदेश के सभी थानों में इसकी जानकारी दी गई है। तो चलिए, फरार आरोपियों के लिए पुलिस जो है अपनी तरफ से प्रयास कर रही है और कार्रवाई भी की जा रही पूरे मामले में। नजरिया बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।